हाय गाइस, तैयार हो चुका हूँ मैं, खड़ा हो चुका हूँ अपने कदमों पे। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अभी हमारी गाड़ी घर के अंदर है, घर के बाहर निकालेंगे, फिर उसके बाद अपने दोस्तों को कॉल लगाएंगे। कॉल लगाने के बाद देखते हैं कि उसकी चार्जिंग लाइट है वो चार्ज हो चुकी है या नहीं, क्योंकि कल हम इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि जो चार्जिंग वाली लाइट थी वो चार्ज नहीं हो पाई। फिर अंधेरे में हम क्या करते, आईफोन का जो फ्लैश है वो इतना ज़्यादा काम तो कर नहीं पाता, इसलिए हम वीडियो शूट करने नहीं गए। अब आती है यामा की बारी। यामा के सर्विस सेंटर पर मैंने काफ़ी कॉल की है पर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। कोई भी इंसान हो अगर यामा के सर्विस सेंटर पर कॉल करता है तो वो लोग कॉल ही नहीं उठाते हैं भाई, बिजी रहते हैं, बिजी 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 बिजी, कॉल उठाते ही नहीं हैं। कल मैंने 10 बार कॉल किया, कॉल नहीं उठाया। तो यामा आप कॉल उठाया करें, आपके जो कस्टमर हैं जो इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो आपको कॉल करते हैं, बट यू आर नॉट रिसीव कॉल। और या फिर एक ऐसे बंदे को कॉल पर ही असिस्टेंट करिए जिससे कि हर पब्लिक की हेल्प हो सके। तो भाई अभी तो हम तैयार खड़े हैं बस अपने पैरों पे। अगर आप YouTube पर आ रहे हो और पैसे के लालच में आ रहे हो तो भाई बिल्कुल मत आना, आपका रास्ता कहीं और है और आप किसी दूसरे की नौकरी करिए और वहाँ पे जाके पैसे छापिए, क्योंकि YouTube पर पैसों के लालच के लिए नहीं आओ, वही सही है। YouTube एक आर्टिस्ट कलाकारों की जगह है जिस पर लोग अपनी कला के हिसाब से उनके नसीब में जितना पैसा होता है वो उन्हें मिलता है। एक्चुअली ये मैं क्यों बोला, दोस्त भाई का कॉल आया, बोलता है कि भाई मुझे राउंड टू हेल जैसी वीडियो बनानी है। भाई अगले ने राउंड टू हेल की वीडियो देख ली, अब उसके मन में आया कि मैं भी ऐसे ऐसे करूँगा और मेरे पास भी ढेर सारा पैसा आ जाएगा। राउंड टू हेल वाले भाइयों का वीडियो देख के अगले बंदे के मन में भी सपना जाग गया। तो अगला बंदा मुझसे बोलता है कि देख भाई वीडियो में काम करेगा क्या, मेरे साथ यूट्यूब चैनल बनाना है क्या, मेरे साथ काम करेगा क्या? तो मैंने बोला हाँ क्यों नहीं भाई, देखो मैं हर किसी के वीडियो में काम कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैंने उसको हाँ बोल दी। उसने फिर मुझे बोला कि भाई देख एक अच्छा कैमरा चाहिए, ढेर सारे लोग चाहिए, ठीक है, लाइट चाहिए, रिकॉर्डिंग चाहिए, माइक चाहिए, एक वीडियो एडिटिंग करने वाला चाहिए, एक अच्छा सा लैपटॉप चाहिए। तो मतलब काम शुरू हुआ नहीं और इंसान क्या क्या चाहिए वो सारी चीज़ें गिना दी। भाई देखो अगर आप आर्टिस्ट हो, आप कलाकार हो तो आप अकेले ही कुछ भी कर सकते हो और जो बंदे आपके साथ होंगे वो आपके साथ खड़े हो जाएंगे, ठीक है। बट उसमें क्या हुआ, अगले बंदे ने मेरे को सब कुछ बता दिया, क्योंकि उस बंदे ने मेरे हिसाब से तो राउंड टू हेल के जो बंदे हैं भाई लोग हैं उनकी वीडियो देखी और सट मन में सपना आ गया, इतने व्यू इतना वो फलाना ढिकाना सब कुछ। फिर मेरे पास आ गया बंदा, भाई दोस्त मेरे पास बोला कि वीडियो बनाते हैं, मैंने बोला हाँ बनाते हैं भाई। पर जब उसने मेरे को इक्विपमेंट गिनाया ना भाई, आदमी भी चाहिए, एडिटिंग भी चाहिए, माइक भी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, मैंने कही ओनली एक फ़ोन है बनाना है तो बोलो। बोलता है कि हाँ बनाते हैं। तो आज शाम की जो मीटिंग है हमारी, जस्ट अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज शाम की मीटिंग है, तो उस बंदे को जस्ट मैं अभी कॉल लगाऊंगा। मैं तो चवन्नी नहीं छापता ना, मैं जो पैसे के लिए यूट्यूब पे हूँ भाई, मैं तो सीधी बोलता हूँ, मेरे दिल में जो है मैं खुश रहने के लिए वीडियो बनाता हूँ, इतना मुझे पता है और ये मेरा भरोसा है, मुझे पैसे का लालच वालच बिल्कुल भी नहीं है। मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे अलग है भाई, मैं हॉरर भी बनाता हूँ, हॉन्टेड भी करता हूँ, डेंजर भी करता हूँ, स्टोरी भी करता हूँ, गाने भी करता हूँ, ऐसे लेके जेड तक करता हूँ, एक्टिंग भी करता हूँ, सब कुछ कर देता हूँ मैं। बट जब मैंने उसको बताया तो बोला भाई ये तो घटिया चैनल है, कोई घटिया चैनल है चलेगा ही नहीं भाई, तू तू तो पागल है जो वो मतलब लेक्चर मैंने, ठीक कोई दिक्कत नहीं भाई, आर्टिस्ट कभी किसी का बुरा नहीं मानता। पर अगर आप किसी दूसरे के वीडियो को देखकर उसी के जैसा दूसरा वीडियो बनाना चाहते हो तो आप गलती कर रहे हो, क्योंकि यूट्यूब पर कुछ नया दिखाना, नया करना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, ना कि किसी की कॉपी करके किसी का कुछ कर देना, किसी के जैसा कंटेंट बनाना। इसलिए भाई जब मिलेंगे भाई से बात करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो अभी हमको थोड़ा से गाने रिकॉर्ड करने हैं, क्योंकि 2-3 दिन से हमने गाने रिकॉर्ड नहीं किए, तो चलो पहले गाने रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसके बाद हम उसको कॉल करेंगे एंड बात करेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। गाइस सच बता रहा हूँ, ये सेविंग ऐसा लग रहा है मैं कटवा दूंगा, इसीलिए सही बात बता रहा हूँ, ये मेरी अंटे अंटे वाली सेविंग हुई है। मैं इतनी देर से मैं गाना रिकॉर्ड कर रहा हूँ बट मेरा एक भी गाना रिकॉर्ड नहीं हुआ,
क्योंकि ये हेडफोन के चक्कर में अब मुझे इतनी गुस्सा आ रही है कि मैं अपने लिए नया हेडफोन लेके आऊँ, यानी कि ईयरफोन, जिस ईयरफोन से मैं रिकॉर्ड करता हूँ ये मेरा ईयरफोन है, एक ही है, क्योंकि बाकी दूसरा ईयरफोन था वो चूहे खा गए। तो भाई देखते हैं, चलो पहले दिए बत्ती कर लेते हैं, उसके बाद हम गाना रिकॉर्ड करेंगे। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना, एंड अपने दोस्तों को भी कॉल लगाएंगे। तो गाइस अभी हम पैदल पैदल जा रहे हैं और मेरा दोस्त फुलिया पे खड़ा है। आ गाइस, तो जो भी कुछ अभी हमारी बात हुई है ना, उसमें डायरेक्टर साहब हमारे सामने बैठे हैं, उनका फेस हम दिखा नहीं सकते हैं। जैसा कि हमने वीडियो में बताया था, घर पे जो हमने वीडियो शूट किया था,